अब मुद्दे की बात यह है कि जो हो गया सो हो गया, अपन ने समझ लिया कि ये छोड़ के जाने वाले प्राणी हैं, आज भी छोड़ गए आगे भी छोड़ कर जा सकते हैं, अब इनको इस तरह से कब्जे में किया जाए कि दोबारा छोड़ कर ना जा सके। वो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, मत करने वाले ना डिवोर्स भी कर दे रहे हैं। अचानक डिवोर्स तो फिर वही है मेरे को, मैं बिल्कुल शॉक हो गई एकदम, तो डिवोर्स का पेपर ही देख मैं तो, पहले छोड़ के गया फिर डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है कि वो डिवोर्स दे दें और एक तरफ हाथ से उन और आप साइन। हाँ हाई कोर्ट में भी है और फिर उनका बहुत कुछ है इसलिए भी, और क्या क्या है तो बताओ, बहुत पावरफुल है। और मेरा ये है कि मैं बहुत और भी चीजें हैं मेरे साथ मायके की तरफ से इधर उधर, मैं बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम और बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। हमने एक बहुत अच्छी बात देखी है जीवन में जी, कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति, मान लीजिए दिल्ली में हमारे देश की राजधानी, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल लोग हैं वहां, तो वह भी है तो ग्रहों के अधीन, भगवान के अधीन है कि नहीं? बिल्कुल, ये बात मैं मानती हूँ। बात समाप्त हो गई हमारे सारे को, आप समझ गए कि आप अपना जतन करिए, प्रयास करिए, परमात्मा ने चाहा तो अगर मनुष्य भगवान के या ग्रहों के अधीन है और अगर इतने पावरफुल हैं कि भगवान से ऊपर हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, फिर वो अलग विषय है। सारी पावर, सारा नाम, सारी सत्ता, बताइए भगवान से सर्वोपरि तो कोई नहीं। बिल्कुल, भगवान के अगर हम भक्का क्या है, हम तो मात्र क्या बोले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनके सामने। तो आप भरोसा रखिए और इसमें कुछ उपाय दिए हैं उनको आप देखिए और करिए, परमात्मा ने चाहा तो आपका काम जरूर है। ठीक है।